रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास ट्वेल्थ का विस्टास बुक से द थर्ड लेवल का समरी देखेंगे। कहानी शुरू करने से पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत आवश्यक होता है, तो आइए देखते हैं। इस स्टोरी में एक 31 साल का व्यक्ति रहता है जिसका नाम चार्ली होता है। ये जो कहानी है वो एक्चुअल में साइकोलॉजिकल कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि एक ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे एक सबवे है जहाँ से पैसेंजर्स गैल्सबर्ग के लिए जाया करते हैं। और मुख्य बात ये है, ये जो सबवे होता है ना, वो नरेटर के हार्श रियलिटी और जो फैंटेसी होता है उसके बीच का एक कनेक्शन होता है। कुल मिलाकर ये जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए एक एस्केप होने का जरिया है। जैसे ये मॉडर्न वर्ल्ड की लाइफ अनसर्टेनिटीज, वरीज, स्ट्रेस, इन सब चीजों से भरी पड़ी है और सिमिलरली चार्ली इन सब चीजों से परेशान हो चुका है और वो भी एक डिफरेंट वर्ल्ड में जाने की बात करता रहता है, इसलिए उसके मित्र एक चलता फिरता ड्रीमर कहते हैं। आगे इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चार्ली के अंदर एक टेंडेंसी होता है कि इस दुनिया से वो दूर चला जाए, एकदम अलग कोई दुनिया हो वहां पे चला जाए जहाँ पे उसको सुकून मिल सके। क्योंकि इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो थर्ड लेवल है ना, इसका स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि सैम का लेटर 18 जुलाई 1984 को चार्ली को मिल जाता है। और इस कहानी में हम एक कनेक्शन देखेंगे टाइम और स्पेस के मध्य। समरी स्टार्ट करने से पहले इस कहानी में जो कैरेक्टर है उनके बारे में जान लेते हैं। चार्ली यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत शांत स्वभाव का है और उसको अलग अलग जगहों पे विजिट करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसको चाहिए होता है शांति। इसके बॉडी को, इसके माइंड को, इसके आत्मा को शांति चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे वो अपने होम टाउन में फील कर रहा हो। चार्ली एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पुराना लाइफ स्टाइल पसंद करता है, जो कि बहुत अरसों पहले लोग यूज किया करते थे, लोग उस स्टाइल में रहा करते थे। वो एक ड्रीमर है क्योंकि वो थर्ड लेवल के बारे में ड्रीम करता है जो कि उसके हिसाब से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ही होता है। वो एक अच्छा पति भी है क्योंकि वो अपनी बीवी का ख्याल रखता है, उनसे बहुत प्यार करता है और उनके पास रहने से उसे शांति मिलती है। और पहली बार ऐसा होता है कि वो थर्ड लेवल डिस्कवर करता है। वो कहता है कि उस सिचुएशन में वो अपने घर, अपने बीवी लुइजा के पास जाना चाहता है। जो चार्ली रहता है एक ब्रेव इंसान होता है जो कि अपने इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहता है, ताकि अपने इमेजिनेशन से वो डरता हो। चार्ली का हॉबी रहता है स्टैम्प कलेक्ट करने का। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है लुइजा। लुइजा जो है वो चार्ली की बीवी है। ये बहुत स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग, ब्रेव भी है, काम भी रहती है और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, जो कि अपने पति के सिचुएशन को समझती है जिसमें वो फंस चुका है। वो बहुत ज्यादा इफोर्ट करती है कि अपने पति को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। लुइजा एक बेहतरीन श्रोता भी है और वो अपने हस्बैंड को सुनती है, उसके उठपटांग बातों को भी सुनती है और उसको कंसोल करती है और फाइनली वो एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट भी करती है। वो इतनी सपोर्टिव होती है कि चार्ली को सपोर्ट करती है ताकि वो जो टाइम ट्रेवल थिंगी में फंसा हुआ है उससे वो बाहर निकल सके। आइए अब इस कहानी का समरी देखते हैं और समरी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें बताते गया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कहानी है ये बच्चों को कंफ्यूजिंग करता है और ये कंफ्यूजिंग करने लायक कहानी है ही नहीं। आइए हम इसको आसान भाषा में देख के समझते हैं। क्या होता है कि जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चार्ली पहुंचता है तो वहां पे वो एक अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से मिलता है जिसे वो बताता है कि उसे सुकून चाहिए और वो अनहैप्पी है। ये बात सुनने के बाद जो उसका मित्र रहता है साइकाइट्रिस्ट, वो उसको और उसके बीवी को समझाता है कि तुम लोग इसलिए अनहैप्पी हो क्योंकि आज के जो लोग हैं वो अलग तरीके से रह रहे हैं, लेकिन तुम लोग अभी भी उसी पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। कन्वर्सेशन इन लोगों का कंटिन्यू होता है और फाइनली वो रियलाइज करता है कि वो थोड़ा सा एस्केप चाहिए होता है चार्ली को अपने उस क्योटिक लाइफ से जिसमें वो जी रहा होता है। और कलेक्शन ऑफ स्टैम्प जो वो किया करता था वो उस समय उसके लिए टेम्पररी हो गया था, जो कि रियलिटी में वो किया करता था लेकिन वो टेम्पररी कर लिया था। उसके बाद क्या होता है जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब इसके ग्रैंडफादर जीवित थे और जिस एरा में थे उस एरा में स्टैम्प कलेक्शन लोगों का हॉबी हुआ करता था और उस समय ये टेम्पररी नहीं था। और इसलिए टेम्पररी नहीं था क्योंकि उस समय लोगों की जिंदगी बहुत पीसफुल हुआ करती थी। एक दिन क्या होता है कि जब चार्ली अपने वर्क से घर वापस आ रहा होता है, चूंकि लेट हो गया होता है, तो वो सोचता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो सबवे है उसको पकड़ा जाए, ना कि बस को, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाला जो सबवे है वो काफी फास्टर है और वहां से वो आसानी से और जल्दी भी घर पहुंच सकता है, क्योंकि वो होमसिक रहता है। होमसिक का मतलब जो घर जाने के लिए बहुत बेचैन हो, उस कंडीशन में रहता है, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे सेलेक्ट करता है। उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि वहां पे क्या हुआ, इसके लिए आप
पॉइंट्स देखते चलिए। वो कहता है कि वहां पे जब वो पहुंचा तो बहुत सारे लोग उसी की तरह दिख रहे थे और साथ ही साथ वो लोग सेकंड लेवल पे थे जहाँ पे सबर्टन ट्रेन पैसेंजर्स को लेके आती जाती है, लेकिन उस समय कोई ट्रेन वहां पे नहीं थी, स्टेशन खाली था। वो जैसे ही आगे बढ़ता गया उसे नए दरवाजे मिल रहे थे, सीढ़ियां भी नए कॉरिडोर्स, और वो जो टनल था वहां पे, उस टनल में वो काफी दूर जब चला गया और बाहर निकला उस टनल से, तो वो रूजवेल्ट के होटल का जो लॉबी था उसे वो दिखाई दिया। और अगली बार जब वो आया ऑफिस बिल्डिंग में तो 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक दूर आया। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो स्टेशन है वो पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, नए नए कॉरिडोर्स देखने को मिल रहे हैं, नए नए स्टेयर केसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पेड़ का जो जड़ होता है वो चारों तरफ फैलता है, उसी तरीके से स्टेयर केस कॉरिडोर्स उसको दिखाई दे रहे हैं। जो कॉरिडोर रहता है वो लिफ्ट के साइड दिखने लगता है उसे, और नीचे की तरफ स्लांटिंग भी दिखने लगता है, और उसके बाद जो टनल होता है जैसे ही वो लिफ्ट के साइड जाता है तो वो थोड़ा सा शार्प हो जाता है और फाइनली वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। वहां पे बहुत कम टिकट काउंटर्स होते हैं और जो ट्रेन का गेट होता है वो भी बहुत कम ही होता है। जो इन्फॉर्मेशन बूथ रहता है वो लकड़ी का बना होता है और पुराना होता है, और जो उस बूथ पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसका ग्रीन आई शेड रहता है और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर वो पहना होता है। जो लाइट वहां पे लगी होती है वो डिम होती है और फ्लिकर कर रही होती है। और उसने एक चीज और नोटिस किया कि वहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट है। वो चार्ली एक हैट पहनता है और काले रंग का चार बटन वाला सूट, एक छोटा सा लैपेल और बड़ा सा ब्लैक कलर का मूछ। ये चीज देख के ये पता चलता है कि वाकई में वो व्यक्ति 80 के दशक से बिलोंग करता है। वो देखता है कि एक बच्चा वहां पे खड़ा होता है जिसके हाथ में न्यूज़पेपर रहता है और वो चिल्ला रहा होता है, और वो ऐसा न्यूज़पेपर होता है द वर्ल्ड जो कि सालों से पब्लिश हुआ ही नहीं है। और उसके बाद चार्ली गैल्सबर्ग को डिस्क्राइब करता है कि कितना बेहतरीन और सुखद गैल्सबर्ग है। वो कहता है कि वो अपनी बीबी के साथ वहां पे जाने के लिए बहुत बेताब है, और फाइनली कुछ पैसा निकालता है दो टिकट खरीदने के लिए, एक अपने लिए और एक अपनी बीवी के लिए गैल्सबर्ग का। वहां पे जो व्यक्ति बैठा होता है टिकट बूथ पे कहता है कि जो करेंसी तुम दे रहे हो वो करेंसी वहां का नहीं है। अगले दिन क्या होता है, वो $300 अपने बैंक से निकालता है और उसको पुराने पैसे में कन्वर्ट कर देता है जो कि 1894 के दौरान मार्केटों में चला करता था, और उस दिन वो थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचा। और ये सारी इंसिडेंट अपने बीवी लुइसा से चार्ली बताता है, और लुइसा ये सुनके उसको सजेस्ट करती है कि ये फालतू चीजों को देखना और सोचना बंद कर। और उसके बाद चार्ली अपना फोकस स्टैम्प कलेक्शन पे अपने बीवी के साथ लगा देता। चार्ली रियलाइज करता है उसका फ्रेंड जो सैम वेनर है वो अदृश्य हो गया है और वो गैल्सबर्ग चला गया है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एक दिन जब वो अपने कलेक्ट किए हुए स्टैम्प को देख रहा था तो उसे एक लेटर मिलता है जिसे वो कभी पहले देखा नहीं होता, और वो और किसी का लेटर नहीं होता है, ग्रैंडफादर के नाम का रहता है जो कि 1894 में किसी ने उनको लिखा था। जब वो ओपन किया और पढ़ा तो वो रियलाइज किया कि उसका जो फ्रेंड सैम है ये उसी के द्वारा ग्रैंडफादर के लिए लिखा गया है, और ये क्लियर तब हो जाता है जब उसमें देखता है कि नीचे लेटर में साइन सैम का ही है। और फाइनली ये जो स्टोरी है वो एंड होती है तब जब ऑथर रिवील करते हैं कि जो सैम उनका मित्र है जिसके बारे में वो सोच रहे थे वो और कोई नहीं, वो प्रेजेंट साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है जिससे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मिले थे। और यहाँ पे आपका ये स्टोरी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।